एजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तीन एजम्पशन है इसके मेनली, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है आर इंडिपेंडेंट मीन्स इंश्योर्ड बाई रिलेटिव यूटिलिटी फंक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड डिक्रीजेज एज इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेज, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट गिवेन द कंज्यूमर वेल्थ। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? तो देखो, डिफिनीशन है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसको हम लोग क्वांटिटेटिवली मेज़र करते हैं, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसे हम लोग क्वालिटेटिवली मेज़र करते हैं। क्वांटिटेटिवली मीन्स संख्यात्मक, और क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक। तो इसको आप डेफिनेशन को पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, जैसे कि अगर आप मैंगो खाते हो तो कोई आपसे पूछे कि मैंगो से तुम्हें मैंगो और एप्पल, कोई किसी को मैंगो और एप्पल खिलाया गया, तो एक आदमी कहता है कि मुझे मैंगो अच्छा लगा एप्पल खाने से, तो वो बात कह रहा है ऑर्डिनल यूटिलिटी की। ओके, मीन्स जो थ्योरी है, दो थ्योरी के बेसिस पे है कि अगर आप एक आदमी को आम खिलाओ और सेब खिलाओ और पूछो कि किस में कितना अच्छा लगा, तो कोई आदमी उसको नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कर दे तो वो है कार्डिनल, और कोई आदमी उसको बोले कि आम अच्छा था एप्पल से तो वो है ऑर्डिनल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। और मेज़रमेंट, यूटिलिटी इज़ मेजर्ड इन और बेस्ड ऑन यूटिलिटीज़, और यूटिलिटीज़ रैंक्ड बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन, कि किसको खाने के बाद कितना सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे एरोप्लेन और ट्रेन, तो ट्रेन इज़ एरोप्लेन गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन, तो लोग कहेंगे कि आई प्रेफर एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये ऐसी बात जो कही जाएगी वो ऑर्डिनल में होगी, और एरोप्लेन को अगर आप कोई नंबर दे दो कि एरोप्लेन से आई गॉट सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ 1000 यूटिलिटी एंड फ्रॉम ट्रेन आई गॉट सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ 50 यूनिट, तो वो हो जाएगा कार्डिनल। ओके, और रियलिस्टिक की बात करें तो जो कार्डिनल है वो लेस प्रैक्टिकल है, और जो ऑर्डिनल है वो मोर प्रैक्टिकल है। क्योंकि हम लोग मेज़र कैसे कर सकते हैं? आप सपोज करो कि आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, आप उसको मेज़र तो बस इसी बात से करते हो ना कि अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है उसका कोई यूनिट तो नहीं होता, क्योंकि अच्छाई का यूनिट आपके लिए कुछ और हो सकता है, किसी और आदमी के लिए कुछ और हो सकता है। तो इसलिए जो है वो कार्डिनल मीन्स मैथ्स के टर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ कोई यूनिट दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए ऑर्डिनल प्रैक्टिकल है। और दूसरा नेम इसको यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं, इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट की बात करते हैं, तो आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट क्या है? तो देखो, ये जो आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट है ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात है। जिस तरह हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे और बजट लाइन पढ़ रहे थे, तो बजट लाइन के सिमिलर होता है आइसो कॉस्ट, और इंडिफरेंस कर्व के इक्विवेलेंट होता है आइसो क्वांट। अब इसमें जो है वो इसकी डिफिनीशन आप देख लो कि जो आइसो क्वांट है, इट शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दैट प्रोड्यूसेस अ सर्टेन आउटपुट, और आइसो कॉस्ट इट द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दैट द कॉस्ट ऑफ द सेम अमाउंट। तो मैंने आपको जो है वो एक तो वीडियो पहले में भी जो बताया हुआ है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आई होप सब की होना चाहिए। यस, देखो इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन वाला जो यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने, नहीं इसमें नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यस, हाँ मिल गया। देखो इसमें जैसे मैंने आपको जब बता रहा था, ये वाला भी वीडियो आपने देखा हुआ है, देख लेना। तो देखो, जैसे यहाँ पे जो है वो गुड एक्स और गुड वाई की बात हो रही है, और इसमें जो है वो बजट लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, और इसमें जो है वो ये इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया है। अब सेम चीज़ जो है वो, ये जो है वो ऑर्डिनल एनालिसिस जो है वो हो रही थी उसका है। अब इसको जो है वो आप जब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ोगे तो इसमें यहाँ पे लेटर सपोज़ कि लेबर हो जाए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे लेबर हो जाएगा, तो ये वाला जो लाइन होगा ये हो जाएगा आइसो कॉस्ट लाइन, और ये वाला जो लाइन हो जाए कर्व हो जाएगा ये हो जाएगा आइसो क्वांट लाइन। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया कुछ बात। और ये जो लेफ़्ट पार्ट में मैंने अभी ड्रॉ किया ना, ये जो लेफ़्ट पार्ट में ड्रॉ किया,
यह थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का बात है, और ये जो राइट पार्ट में है ये यूटिलिटी वाला बात है, मीन्स कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से। तो यही बस मैं आपको कंपेयर करके दिखाना चाह रहा था कि अगर आप एक को अच्छे से समझ जाओगे तो दूसरा भी आपको समझ में आ जाएगा, तो आप बस इसको रिलेट कर पाओगे। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है वो किसी एक से भी दिया जा सकता है। आप समझोगे कि प्रोडक्टिविटी में और यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों में कैसे रिलेशन है, लेकिन एक को समझ लो अच्छे से, दूसरा भी आपको अच्छे से आ जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पे आप देखो कि जो यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व में 1 to 3 में आप किसे प्रेफर करोगे, 3 को प्रेफर करोगे। उसी तरह अगर आइसो क्वांट में आपको दे दिया जाए 1 to 3, तो आइसो क्वांट में भी आप किसे प्रेफर करोगे, आइसो क्वांट में भी आप 3 को ही प्रेफर करोगे। ओके, सो बस यही बात है, मैं आपको सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट, इस दोनों में जो है वो यही आपको जो है वो सिमिलरिटी पार्ट नज़र आएगी। ओके, और एमआरटीएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो जो एमआरएस होता है उधर यूटिलिटी कंज्यूमर वाले कंज्यूमर बिहेवियर में, एमआरएस इधर एमआरटीएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये बात आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। दैट्स इट।